अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल सीन्स। कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज हमारे फार्म पे तमाम जानवरों की सींगे और खुर बनाई जा रही हैं, तो उस तरफ वो सारा काम चल रहा है। वो बन जाती हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं जानवरों की अपडेट्स आपको शेयर करता हूँ कि सारे जानवर सेट हैं या नहीं है। और माशाल्लाह से ये दो बछड़ियाँ, इन दोनों के आज खुर बन चुके हैं। उसका भी खुर बन गया था गाय का, और इनके भी खुर बन गए थे। इनके सींग बनने वाले नहीं हैं, तो माशाल्लाह से आप देखिए। और ये हमारी, इसका नाम तो भाई मैंने डन कर लिया है, और कमेंट में ही देखा था मैंने। और लिटरली मैं बताऊँ, जब से ये आई है ना, मैंने उसका वही नाम सोचा हुआ था जो कमेंट में आज आया, और मैंने देखा और मेरा दिल खुश हो गया यार कि यही नाम रखना है। तो माशाल्लाह ये है हमारी दिलरुबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई आज से इसका नाम फाइनल है दिलरुबा, इस पे सूट कर रहा है माशाल्लाह। जानेमन के साथ एक दिलरुबा भी आ गई है हमारे पास। जानेमन और दिलरुबा दोनों दोस्त ही हैं, और ये साथ ही पलेंगी इंशाल्लाह। 2000 years later माल का थोड़ा खुर वुर बन रहा था और सींगे बन रही थी, तो जमील मेमन कॉलोनी में ही जहाँ पे हमारा फार्म है वहीं पे थोड़ा मैं यार आगे पीछे फार्म विजिट करने चला गया था, तो एक शिकार लग गया। तो मतलब एक सौदा हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई ऐसा माइंड में नहीं था कि भाई सौदा करना है, कुछ ऐसे दिमाग से नहीं गया था मैं, लेकिन बस नसीब का सौदा होता है तो वो हो गया है। तो माशाल्लाह से आपको दिखाते हैं। तो आज हमारे फार्म पे दो न्यू एंट्री होने वाली हैं, एक नहीं दो दो सौदे हुए हैं माशाल्लाह। हाँ भाई ले आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो गैया की जोड़ीदार आई हैं जो हमारे पास गाय हैं, उसका एक जोड़ीदार आ गया है। और बाकी जैसे कि आपको पता है हमारे जो तीन बच्चे हैं, एक वो है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये देखिए बच्चे का, ये भी 5 मंथ का बच्चा है माशाल्लाह। भाई ये देख रही है कि कौन आया है, इनकी माँ भी इनकी जैसी दिखती होंगी। ये जैसे जैसे इस बच्चे की एज बड़ी होती रहेगी, इसका कलर और थोड़ा चेंज हो जाएगा। और सही से दिखाता हूँ मैं इसको, अभी इसको प्रॉपर तरीके से बांध लें और फिर मैं आपको आके ना सही से बच्चा खोल के अलग से दिखाता हूँ। अभी थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये देखिए ये आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। रहो ब्यूटी देखिए इसकी माशाल्लाह। यार ऐसी चीजें ना मेरी फौरन दिल पे लग जाती हैं और छोड़ने का दिल ही नहीं करता है। इतने दिल पे लग गई ना, अभी भी कोई माइंड नहीं था, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही गया था, मैंने बोला थोड़े 2-3 फार्म देख के आ जाता हूँ, तो और माशाल्लाह बस अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ था तो सौदा हो ही गया माशाल्लाह। अभी ये थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा सेटल हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं आपको इसको प्रॉपर्ली सही से दिखाता हूँ। लोडिंग कराने के बाद मैं 3-4 फार्म और देखने चला गया था कि यार और भी कोई सौदा लग जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सौदा नहीं हो पाया है। तो देखेंगे भाई, लगे रहेंगे इस चीज़ में, भी इनकी अपडेट्स देते हैं आपको माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है भाई, स्नो परफेक्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई वंडा ले रहा है। और ये देखिए यार, मतलब ये नेक्स्ट लेवल जाएगा। और स्नो को ना यार आज हमने नहीं छेड़ा है, मतलब उसके सींग नहीं बनवाए, जस्ट खुर बनवाए। और लाल नुकरे के भी, इसके भी जो खुर बनवाए, इन दोनों के सींग नहीं बनवाए, क्योंकि भाई मैं देखना चाहता था कि भाई बाकियों के सींग बनने के बाद क्या रिस्पॉन्स है, और अगले 1-1.5 हफ्ते में किस तरह के वो रहते हैं और किस क्या प्रोसीजर रहता है, वंडा प्रॉपर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद ही इन दोनों को छेड़ना है मुझे। और माशाल्लाह से, हाँ भाई, अरे भाई बख्श याद आ गया कि आज मतलब बहुत घूम लिया। कितना घूमे आज? आज भाई माशाल्लाह बहुत, पूरा जमील मेमन घूम गए, पूरा
हाँ तो भाई यही सीन है माशाल्लाह से भाई, इसको एक पसंद आई थी अभी, पीछे लग गया था कि ये ले लो, लेकिन भाई यार वो थी अच्छी लेकिन पैसे इतने मांग रहे थे तो मतलब नहीं बना सौदा। माशाल्लाह इसको देखिए यार, मेरा फेवरेट, इसके भी सींग बन चुके हैं आज, खुर भी बन गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह यार जायंट होता जा रहा है ये, और ये बीस्ट तैयार होगा इंशाल्लाह, ये बहुत ऊपर जाएगा। और ये माशाल्लाह इनके भी सींग बने हैं आज, इनके भी सींग बने तो थोड़े परेशान हुए मैं। सींग बनने के बाद यार जानवर थोड़ा परेशानी में चला जाता है, और हफ्ता 10 दिन मतलब लाइक 10 दिन तक वो ऐसा थोड़ा सा परेशानी में ट्रबल में रहता है, कुछ कुछ नहीं भी रहते यार, कुछ कुछ इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो है मतलब जानवर, इन्होंने सींग बनने के बाद, सींग और खुर बनने के बाद बंडा भी लिया है प्रॉपर तरीके से, और मतलब बिल्कुल सेट है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये माशाल्लाह से देखें, इसके भी सींग बन गए आज और इसके भी खुर बने आज, तो माशाल्लाह से भाई अल्लाह का शुक्र है, जानवर सारे सेट हैं। इसका मैंने बताया था कि भाई कल कम बंडा ले रहा था ये हमारा, लेकिन आज इसने पूरा बंडा उठाया है दोनों टाइम का, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये भी है कि भाई ये सेटिंग में आ गया है अपनी। और ये माशाल्लाह से हमारे भोलू डोलू, पहले भोलू आ जाते ना यार क्या करें, चलो डोलू भोलू, माशाल्लाह से ये बहुत सेट हैं भाई, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बहुत अच्छे तैयार होने वाले हैं, अभी तो आपको ये बिल्कुल ही नॉर्मल से लग रहे होंगे घेरे, और इसको आप कुछ टाइम बाद देखिएगा कि मतलब ये कैसे तैयार होते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि मेरे माइंड में आया था कि कुछ जानवर हाइड कर देता हूँ और आप लोगों को रिजल्ट्स तभी प्रॉपर पता चलेंगे, अभी आप रोज़ देखते रहेंगे तो आपको इतना नहीं पता चलेगा कि जानवर ग्रो कर रहा है, अगर मैं इसको 1 मंथ हाइड कर दूँ और 1 मंथ बाद आपको दिखाऊंगा ना तो आपको फिर डिफरेंस भी पता चलेगा कि भाई क्या मेहनत हुई हुई है। तो अभी उस तरफ भी चल के देखते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है, और जो आज न्यू एंट्रीज आई हैं उसको भी ज़रा बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको। इस तरफ चलते हैं तो भाई एज़ ऑलवेज जानेमन यहीं चौकीदारी कर रही होती हैं, कोई रस्सी पाँव में आई हुई है इसके, इसकी रस्सी पाँव में आ रही है, बंधी हुई है, बांधा क्यों है इसको, क्या कर रही है अभी, ये बहुत छेड़छाड़ी कर रही है, शैतानी कर रही है। अच्छा इसको मैंने बांधा है। हाँ हाँ सही किया, रात को बांध दो यार, शैतानी के चक्कर में अपने आप को नुकसान ना दे देना। सारी लड़ रही है ना, हाँ इस वजह सबको बांध दिया। अच्छा जो आज नए आया है बच्चा उसको बाहर निकालिएगा बच्चे को बस। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए भाई आपको बाहर निकाल के कैसा लगा भाई, आप नहीं गए हमारे साथ, बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ बस भाई ये आपको मैं मिशन दिए जा रहा हूँ दिन बर दिन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका फेस चेक करिए गाइस, माशाल्लाह ये देखिए, और ये प्रिंट देखिए इसका, माशाल्लाह से कैसे आ रहा है, और ये जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती रहेगी अभी इस पे दूध वाले बाल हैं ये झड़ेंगे और इसका फिर स्किन अलग हो जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा ना चेंज होने लग जाएगा, तो बड़ी होती रहेगी आपके सामने ही भाई, आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। इनको तो मैं हाइड नहीं करूँगा, इनको तो मैं आपको पर्सनली दिखाना चाहता हूँ, आप इसको देखिए यार माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पंजाब से आई थी ना वो जो सफेद वाली, कौन सी वो बड़े जो कलर आई थी, हाँ अपनी, हाँ ये उसके साथ लड़ी है, उसको भगा दिया इसने। अच्छा इस छोटी ने वो बड़ी को, इसको भगा एक बार, ये इसने भगा दिया। और नहीं नहीं लड़ने नहीं देना इनको, लड़े नहीं है बस इनको, थोड़ा ना अभी दोस्ती हो जाएगी, पहले पहले देना ना, ये 2-3 दिन में ना दोनों ये सारे मिलजुल के ना ये आपस में इनका प्यार बढ़ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नहीं नहीं ये तो खत्म कर लूँ पहले, फिर हो जाए ये खत्म करें फिर करते हैं, जब तक चलाओ उनको पिलाओ जो आए हुए थे मट्टी वाले, हाँ चाय भाई पिलाई ना उनको, वो भाई खुश है आज, बोला आज तो भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाई, चाय पिलाई, आज तो बोला आज भाई मस्ती भूल गए हमारे तो। अरे भाई इनको देखिए नाइजीरियंस को हमारे कहाँ चढ़े में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इनको देख लेना भाई, इनको हटा दो, ये यहाँ पे कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पास कैसे भागते हुए आई है यार, वीडियो नहीं बनी होगी माशाल्लाह, शायद वीडियो में आया हो यार, लेकिन ये इतने प्यारे तरीके से अभी भागते हुए आई है। और ये यार इनको यहाँ से हटा देना ना, खुल्लियों में नहीं घुसने दिया करो इनको, हाँ इनको यहाँ ऊपर एंट्री इनकी बैन करो खुल्लियों में खाने की जगह पे। और माशाल्लाह से जाने मन कैसी हो भाई, हाँ अरे आज का मैं आपको सीन बताना भूल गया भाई, जैसी जैसी ये न्यू एंट्री हुई है, न्यू बछड़ी आई है, ये जाने मन को भूल गया है भाई, जाने मन को छोड़ दिया इसने, मतलब ऐसे जाने मन के साथ रहता था, अभी जाने मन को लिफ्ट भी नहीं करा रहा है ना, ये जैसी आई फौरन इसके पीछे बैठ गया, जाने मन वहाँ पे खड़ी रह गई, इतना इमोशनल सा सीन था ना गाइस, आप लोग देखते यार
क्यों नहीं कर यार रिकॉर्ड, कर लेता तो आप लोग सीन देखते, इतना इमोशनल सा सीन था। मतलब जाने मन को इसने धोखा दे दिया भाई। जाने मन टेंशन नहीं लो, तुम्हारे लिए लेके आएंगे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, इसको बस ना तुम छोड़ दो, तुम्हारे लिए भी दोस्त लेके आएंगे हम, तुम्हारे साथ दोस्ती करेगा। सही है, मैं तो हूँ ना तुम्हारा दोस्त। माशाल्लाह जाने मन बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे है माशाल्लाह से, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है जाने मन, और इंशाल्लाह ये आगे जाके तो फिर क्या चीज़ तैयार होने वाली है। और ये जो हमारी आज गाय आई है उसके साथ ये बच्चा। अच्छा गाइस, इसका यार कमेंट में नेम सजेस्ट ज़रूर करिएगा, और इसका भी यार एक दफ़ा मुझे फिर से सही से सजेस्ट करके बता दें। इसका जो मैंने नेम सोचा है गाबा, ऑनेस्टली यार वो जो इसकी माँ है गैया और ये गाबा, ये मुझे इन दोनों का नेम समझ आ रहा है। आप लोग को भी अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा यार, तो कोई और नेम बताइएगा, गैया और गाबा। और माशाल्लाह से ये हमारी दोनों बछड़ियाँ बहुत सेट हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको देखें और बच्ची की गुलाई चेक करें अभी से, ये खीरी में ऐसी हैं तो मतलब अभी थोड़े टाइम बाद ये किस लेवल पे होने वाली है। मतलब यार अभी तो हमारे सारे जानवर नए नए हैं, और हमने इस हिसाब से लिए हैं कि हम लोग ख़ुद उस पर पलाई करें। हमने ऑलरेडी इतना बड़ा जानवर खुद ही नहीं देखा, हमें मिल रहे थे अच्छे, सौदा भी बन रहा था, लेकिन हमने बोला यार हमें एक्सपीरियंस करना है पलाई पे, अच्छे से अच्छा तैयार करके दिखाने कि भाई हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये क्या बोल रहे हो चाचा? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी कुछ अच्छी बात कर दो फिर हमारे लिए आज। जरूर बात है, जो अच्छी बात निकले ना मुँह से माशाल्लाह तो बोलना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बोतल वोतल पी थी? जी बहुत बोतल पी। हाँ कितनी बोतल पी? आज डबल ट्रिपल करके पी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस सही है, आज काम निपटा देना, ऐसा नहीं कि कल पे ले जाओ और बोतल पीने के लिए। चलो चलो सेट है। और माशाल्लाह से ये हमारी दिलरुबा, ये भाई इसका सीन जो है ना टोटली नाइजीरियन डॉग वाला सीन है, वो जो छोटे हैं ना हमारे, बिल्कुल उसके जैसा सीन है इसका। ये भाई इसकी अगर रस्सी खुल गई ना इसको कोई नहीं पकड़ सकता, ये पूरे फार्म में आपको नचा देगी, आप नहीं पकड़ सकते दिलरुबा को यार। माशाल्लाह दिलरुबा कैसी हैं आप? हाँ सब्सक्राइबर्स को बताओ भाई नाम कैसा लगा आपको? हाँ बताओ फिर से, हाँ करो, नाम कैसा लगा सब्सक्राइबर्स को बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई खूबसूरती भाई, वो कहते हैं ना यार LOML लव ऑफ माय लाइफ हो गई है। माशाल्लाह भाई अंधेरा हो रहा है आजकल रोज की वीडियोस में, मतलब मैं टाइम ही नहीं मिल रहा ना, मैं टिक ही नहीं रहा हूँ फार्म पे, मैं कभी इधर निकल जाता हूँ कभी उधर निकल जाता। कल जैसे जीशान भाई के पास चला गया था वहाँ पे टाइम लग गया था, आज थोड़ा सा मूड बन गया कि भाई और फार्म भी विजिट करके आ जाते। फिर वहाँ पे आपको पता है यार, भाई को आपकी एक कोई चीज़ पसंद आ गई और आपके भाई ने उठा के ले आया बस फौरन ना, मतलब रुका नहीं जाता। जैसे कि वो दिलरुबा है, दिलरुबा पे भी यार मेरा 2 मिनट्स में सौदा हुआ था, चीज़ दिल पे लग गई थी, तो वही आज सीन हुआ है मेरे साथ फिर से कि मतलब दिल पे लग गई और मैंने फौरन डन किया, कुछ सोचा ही नहीं ना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो चुका है, अब मैं भी घर की तरफ निकलूंगा, तो आप 2 दिन से ही देख रहे होंगे कि भाई अच्छी वीडियोज़ नहीं आ रही। मुझे पता है यार कि मतलब 2 दिन से कोई अच्छी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये टाइम टू टाइम सही होती रहेंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए फार्म पे तो इंशाल्लाह मैं अच्छी वीडियोज़ बनाया करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में भी याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना भी ख्याल रखिएगा यार, खुदा हाफिज़।